हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं खड़वा खिंडे की रेशमी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला रेशमी है और खाने में बहुत ही चटपटी लगता है। खिंडे की सीजन है तो चलिए हम ताजी ताजी खिंडी का फटाफट खड़वा खिंडी बना के तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी रेशमी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम भिंडी। भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम एक कॉटन क्लॉथ से भिंडी को पोंछ लेंगे। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भिंडी को भरेंगे तो भिंडी एकदम अपनी ड्राई ड्राई दिखनी चाहिए। भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ताजी होनी चाहिए, तभी भड़वा भिंडी बढ़िया बनता है। तो हमने ऐसे ही सारी भिंडी को पहले पोंछ लेना है। हमने भिंडी को पोंछ लिया है, अब हम इसे काट लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे और ये पतली वाली पॉइंट काट देंगे। अपनी भिंडी बड़ी है तो हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे और एक बीच में ऐसे सीधा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अपनी भिंडी की ये मुंह खुल जाएगी। इसी में हमें स्टफिंग करना है, तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और ऐसे ही दूसरे भिंडी को भी बीच से सीधा लगा देंगे। तो यही एरिया है जिसमें हम मसाला भरेंगे। एक और काट के दिखा देते हैं। ये हमने डंठल वाले एरिया को काट दिया, पतली वाले हिस्सा काट दिया, दो टुकड़े में कर लिया, बीच से ऐसे कट लगा दिया। तो यही अपना स्टफिंग का एरिया है। आप सावधानी से काटिएगा, नीचे वाला पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए। चलिए हम सभी भिंडी ऐसे ही काट लेते हैं। हमने सभी भिंडी में कट लगा लिया है। तो जो बड़ी साइज की भिंडी थी उसको हमने दो पार्ट में कट लगाया, जो छोटी साइज की थी उसमें हमने एक ही कट लगाया है, यानी कि इसको दो पीसेस में नहीं काटा है। अब चलिए हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो हम एक बॉल लेंगे और इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे हम दो चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। चटपटा बनाने के लिए हम दो ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर बढ़िया आता है पर तीखा कम होता है। और यहाँ पे 1/4 चम्मच हम हल्दी लेंगे। एक चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे खट्टा खट्टा बढ़िया स्वाद आता है। और इसमें हम 4 चम्मच रोस्टेड बेसन डालेंगे, यानी कि चने का आटा। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चुटकी हींग। हींग से बहुत बढ़िया खुशबू आता है और एक पचने में भी बढ़िया होता है। और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तो आप जो भी तेल खाते हैं उसे डाल दीजिए। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। मसाले को हम हाथ से ही अच्छे से मैश लेंगे। तो ये अपनी भिंडी की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हमने मसाला को मिक्स कर लिया है। अब हमने जो कट लगाया था वो भिंडी ले लेना है और एक एक भिंडी को हमें ऐसे थोड़ा 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 ही डालना है, क्योंकि भिंडी में बहुत कम जगह होता है और ये इतना चटपटा मसाला होता है कि हम थोड़ा भी डालें तो ये भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं हमने भिंडी को स्टफ कर लिया है और इसी प्लेट में हम साइड में ऐसे रखते जाएंगे। फिर हम दूसरी भिंडी लेंगे और इसको हल्का सा खोलेंगे। इसे हमें अलग नहीं होने देना है, तो हम ये सावधानी बरतेंगे और जितना आ सकता है उतना हम मसाला इसमें डाल देंगे। फिर मुंह को ऐसे दबाते हुए एक्स्ट्रा मसाला हटा लेंगे। तो चलिए हम बाकी का भी भिंडी ऐसे ही भर लेते हैं। हमने सभी भिंडी को
भर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच राई का दाना। राई को हम हल्का सा चटकने देंगे। इससे क्या है, फ्राई भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप सुन सकते हैं अपनी राई से चटकने की आवाज आने लगती है। इस स्टेज पे हमें अपनी भिंडी को धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक साथ में हम सभी भिंडी डाल देंगे और हल्के हाथों से हम इसे चलाएंगे, क्योंकि इसमें स्टफिंग किया है तो निकलता है। एक बार इसमें स्टीम बन गया तो ये सारे बेसन मसाले सेट हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको टॉस करके चलाएंगे। हमने एक साइड से इसे एक मिनट तक पका लिया है। अब हम हल्के हाथों से एक बार चला लेते हैं। भिंडी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें भी ताजी भिंडी हो तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो हम इसे भिंडी को चला लेंगे। अब हम इसे कवर करके दो दो मिनट पे 10 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे आपको दो दो मिनट पे सेक करते हुए 10 मिनट तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमने कवर हटा हटा के अपने भिंडी को 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है। आपको क्या करना है, ऐसे जस्ट टोस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टफिंग बिखर नहीं रहा है और अपनी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। चलिए हम एक बार फिर से भिंडी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी भिंडी की कलर आई है और ये सारे मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया है। अपनी भिंडी पक भी चुकी है। मैं एक भिंडी को ऐसे प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। भिंडी ताजी हो तो गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ऐसे हम फिर से इसको टोस्ट कर लेंगे। सारी स्टफिंग परफेक्ट है, भिंडी गल चुकी है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। फिर हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया भड़वा भिंडी बनाना कितना आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार होगा। खाने में बहुत ही चटपटा लगता है, तो इसे आप जरूर